क्वेश्चन होता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होता है, रंगीन होता है, तो रंग और विद कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि Cu प्लस तथा Cu प्लस 2 में कौन सा रंगीन है, में कौन सा अनुचुंबकीय है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा बोला रंगीन और क्या बोला अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, मैं इसको समझाने वाला हूं। और दूसरा, चलो ये इस टॉपिक को पहले क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे कैटलिटिक प्रॉपर्टीज है या फिर दूसरे प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। पहले ये एक छोटी सी बात है जिससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में, तो ये रंगीन क्यों है, तो याद रखना रंगीन और अनुचुंबकीय होने का कारण होता है एन की संख्या जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एन क्या चीज है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एन, ये क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, अगर ये शून्य है तो क्या होगा, रंगहीन होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ बातों की तरफ ध्यान देते हैं, Cu प्लस और Cu प्लस 2 में कौन सा रंगीन है कौन सा रंगहीन है ये बताने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बातों को एक्सप्लेन करें, सीधे से समझा देता हूं कि कैसे आप धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले एक रफ वर्क करिए, वो ये है कि ये कौन सा एलिमेंट है कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना 4s2 3d9 होता है, और कॉपर में आप जानते हो कि d9 नहीं होगा, d9 की जगह ये d10 हो जाएगा, कब, जब s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां से यहां तक बार बार लिखने से अच्छा है कि ये कितना 18 हुआ, 18 है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 18, मतलब ये ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शा रहा है, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 4s1 3d10, अगर शॉर्ट में लिखना है, बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब चलो कुछ और बातें, यहां पर आप देख रहे हो कि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो हम देखेंगे, फिलहाल एक चीज और देखना है, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन हम कॉपर प्लस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होगा, हम ये जान लें किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, कहां से निकालना है, अंदर से नहीं, हमेशा बाहर एनर्जी लेवल या बाहरी वाला शेल से निकालना है, तो बाहरी वाला शेल कौन होगा, देखो ये तो अंदर वाला है पूरा क्लियर है, ये वाला देखें, इन दोनों में बाहर वाला शेल ये है, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, हम जब आप बाओ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले 4s में भरते हैं तब जाकर के 3d में भरते हैं, तो ये जो बाहर का है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो ये एनर्जी लेवल है, कितने एनर्जी लेवल तक भरा हुआ है, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये है 1s2, ये है 2s का है, 2p का है, 3s, 3p और 3d है, तो यहां पर है 4s, 4p, 4d, तो देख रहे हैं आप 4s सबसे आखिरी में है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेगा, तब जाकर 3d से निकलेगा, फिर जाकर के ऐसे, तो जो सबसे बाहर होता है उनसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, पहले 4s से निकलेगा। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऐसा Cu प्लस का जी, इस तरह से हो जाएगा 4s0 3d10 हो जाएगा। अब देख रहे हो एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जीरो, मैंने यहां पर लिख दिए हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है, जिसको कितना है, जीरो, जीरो है, तो इसका मतलब यह हुआ
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता चल गया, ये है चुंबकीय गुण, ये परामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय सॉरी अनुचु हाँ पर डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है यानी कि प्रतिचुंबकीय है। अब यहां पर एक बात समझो कि जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, यहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 या जो भी होगा डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में, तो ये क्या होगा अनुचुंबकीय होगा। लेकिन जब ये कैसा होगा n इज इक्वल टू 0 होगा तो ये कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा, ये आपको समझना है। तब क्या होगा क्वेश्चन बेस पर हमने इसको सॉल्यूशन में ये देखा हमने कि ये कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू का उपयोग किया जा सकता है और इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। तब क्या होगा म्यू इज इक्वल टू, बोलो एन की वैल्यू कितनी 0, तो ये होगा 0 प्लस 2, तो ये हुआ 2 और इन 2 0 यानी कि टोटल हुआ 0, तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा, ठीक है। साथ में आप क्या देख रहे हो, रंग की बात करें तो ये रंगहीन है, कलरलेस है, ओके। ये कैसा बेटा, रंगहीन है कलरलेस है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस जगह पर दो बातें आई, n इज इक्वल टू 0 है तो प्रतिचुंबकीय होगा और रंगहीन होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि n नॉट इक्वल है 0 है तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है, तो उस कंडीशन में कैसा होगा अनुचुंबकीय होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, और कैसा होगा रंगीन होगा। कौन सा रंग है उससे कोई लेना देना नहीं फिलहाल, ठीक है, आपको जानना होगा ये रंगीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा, तो Cu+1 कैसा है, रंगहीन है, ठीक, और कैसा है प्रतिचुंबकीय है। जब ये जान गए तो आप क्या जान गए, आप ये जानते हैं तो इसके कंपाउंड के बारे में जान सकते हैं। तो Cu+ का कंपाउंड क्या होगा, बोलो, देखो इस पर डिपेंड करता है, अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्या है उसका, नाइट्रेट है या फॉस्फेट है कोई भी, ठीक है, तो इस तरह 3 होगा ना, PO4-3, तो इनके कंपाउंड क्या होंगे। तो आप समझते हैं फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर को क्रिस क्रॉस कर दो तो आपको फॉर्मूला मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या बनाएगा CuCl2 Cu Br Cu2SO4 CuNO3 Cu3NO3 सर क्या है, फॉस्फोरस है क्या, देखो फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, तो क्या बोलेंगे Cu3PO4। ये सब के सब यही गुण रखेगा, कैलकुलेटर में प्रश्न हो सकता है Cu2SO4 रंगीन है कि रंगहीन, जवाब आपको लेना है कि Cu2SO4 जो है उनको आयोनाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा Cu+ मिलेगा और दो बार, और SO4-2 मिलेगा, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यानी क्यूप्रस कंपाउंड है। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस नाइट्रेट, क्यूप्रस फॉस्फेट होगा, तो ये सब रंगहीन होगा, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में Cu+ लिखा हो, वहां पर Cu+2 भी लिखा हो सकता है, या सॉरी Cu का कंपाउंड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। यह शब्द Cu को हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं, क्यूप्रस, और ये क्या जिसे क्यूप्रिक आए, ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं, जो भी आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं Cu+2 के लिए। अगर Cu+2 है तो आप इनके बेस पर सोचो कि दो इलेक्ट्रॉन लास्ट से निकालना है, तो आखिरी एनर्जी लेवल ये S है, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर ये इसके बाद फिर उसके अंदर वाला कौन सा है, ये वाला है, सो एक निकाले तो 9 हो गया, तो क्या हुआ 0 और ये हो गया 9। आपने क्या देखा कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 9 भरा है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया एन की वैल्यू 1। तो इसमें n की वैल्यू 1 आते ही पता चल गया कि कैसा है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है,
अनुचुंबकीय है। और इस तरह से इसकी वैल्यू रखें तो क्या मिलने वाला है, वन, वन प्लस टू तो क्या हुआ अंडर रूट थ्री, और इस तरह से ये कैसा हो गया, रंगीन हो गया, कलर्ड हो गया। तो इनका हाइड्रेट क्रिस्टल जो होते हैं, हाइड्रेट क्रिस्टल मतलब उसमें पानी रहना चाहिए तब वो रंगीन है ना, ध्यान रखना, बिल्कुल प्योर हो तो वो रंगीन नहीं होता। तो ये हाइड्रेट क्रिस्टल हो या इसका कोई सॉल्यूशन हो, विलयन हो, तब वो रंगीन होगा, ठीक है। मतलब ये है एक एग्जांपल। अच्छा यहीं पर बातें करें तो इसका कंपाउंड क्या होगा, इसका सीयू प्लस टू के लिए क्या हो जाएगा, ये क्यूप्रिक कंपाउंड बनेगा सीयू प्लस टू के लिए। तो सीयू प्लस टू के लिए क्या होगा, सीयू सी एल टू, सी यू बी आर टू, सी यू एस ओ फोर, सी यू एन ओ थ्री ट्वाइस, और ये बन जाएगा सी यू थ्री पी ओ फोर ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कंपाउंड कैसा होगा, रंगीन होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो क्वेश्चन का ये रेंज होता है, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हो गया ना, क्लियर है, हाँ, नोट कर सकते हैं इसको। चाहे मैं आयरन के साथ एक क्वेश्चन करा दूं, आयरन के साथ एक क्वेश्चन है, वो है Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इनके लिए मैंने यहां पर प्रश्न दो तरह से, प्रश्न ये होता है कि इनमें अधिक अनुचुंबकीय कौन है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनमें से ज्यादा किस में है, ये एक क्वेश्चन होता है। तो यहां पर क्या करेंगे बोलो, चलिए तो हम सबसे पहले बोला कि Fe2+ का मत करिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि Cu+ का मत करिए, नहीं तो फिर आपके दिमाग में ये चलेगा Cu का एटॉमिक नंबर 29 है तो इसका 28 है। सो आप क्या लिखने वाले हो, ये लिखने वाले 4s2 3d8 लिखने वाले हो इसका, जो कि रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचना है, आप सोचेंगे कैसे, मैंने बोला पहले उसके आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं, बस इतना ध्यान रखो। किसी भी पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय याद रखना कि वो जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उसका पॉजिटिव करते समय ये ध्यान रखो कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है जितना प्लस होगा। सो यहां पर भी वही काम करने वाले हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। Fe एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। आप जानते हो इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, Fe2+ का क्या होगा, यहां तक फिर से नहीं लिख करके मैंने लिख दिया है Ar, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, दो, तो मैंने लिखा 4s0 3d6। मैं अंतिम से निकाल रहा हूं ना, ये शेल बाहर का है, आप चाहे तो इसको अरेंज भी करके रख सकते हो। देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, कैसे, मैंने लिखा है 3d6, 4s2 भी लिख सकते हो, तब यहां पर लिखते समय क्या लिखोगे, अंतिम से ही निकालना, जब भी निकालेंगे अंतिम से ही निकालना, तो कैसे निकलेगा 4s, तो 3d6 4s0 ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसको पहले लिखा है कि बाद में लिखा है। जब आप पहले लिखते हो तो अब भाव के अनुसार आपने उसको अरेंज करके रखा है, और अगर आप कैसे लिखते हो, इस तरह लिखते हो तो एटम में जो इसकी जमावट होती है उसकी तरह से लिखते हो, ठीक है। चलिए तो इसमें आपने क्या देखा कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एस पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, ठीक है। तो यहां पर आप म्यू इज इक्वल टू क्या निकालोगे, आप मान रख सकते हो एन की वैल्यू 4, 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट, कितना बच गया, ये कितना हो गया, 6, 6 चौक 24, 24, तो 24 अंडर रूट, मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा कैलकुलेशन आप करते रहिए। तो वैसे भी ये क्या पता चला, अनुचुंबकी है, बोलो, लेकिन किसका ज्यादा है वो पता लगाने के लिए, तो आप समझते हो जितनी ज्यादा एन होगा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। अब किसका बता दूं, Fe प्लस थ्री, इसके लिए क्या होने वाला है, 26 से है तो क्या, आर्गन, मैं कितना इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, अब इसमें से तीन, दो यहां से एक यहां से, तो क्या हो गया,
थ्री डी फाइव, फोर एस जीरो। अब आपको जवाब मिल गया है कि क्या, बोलो एक दो तीन चार पांच, ये हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, फाइव। तो मैग्नेट क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण, हिंदी में शब्द है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, ये कितना होगा। तो इसमें होगा अंडर रूट फाइव, फाइव प्लस टू तो कितना हो गया, ये सेवन, थर्टी फाइव। तो बोलो अंडर रूट थर्टी फाइव बोर मैग्नेटॉन किसका ज्यादा हुआ वैल्यू, तो चुंबकीय गुण किसका ज्यादा है, हाँ चुंबकीय या अनुचुंबकत्व किसका ज्यादा होगा, पैरामैग्नेटिज्म कितना किसका ज्यादा होगा, मैं लिख देता हूं पैरा मैग्नेटिज्म किसका ज्यादा होगा, बोलो एफ ई प्लस टू की तुलना में एफ ई प्लस थ्री का। तो ये कुछ जवाब है और रंगीन तो दोनों है, ठीक है, ये भी रंगीन है, ये हरा रंग होता है इसका, इसलिए इसका हरा कसिस बनता है FeSO4 को, ग्रीन विट्रोल कहते हैं, हरा कसिस कहते हैं। साफ सुथरा लिख देता हूं, चलिए पहले इसको कर लो, फिर यहां पर मैं बताता हूं। Fe के साथ क्या बनेगा, Fe प्लस टू का क्या बनेगा, ये होगा FeSO4, ठीक है, और Fe थ्री प्लस के साथ क्या बनेगा, बोलो Fe2SO4 thrice, ठीक है। ये लाल येलो कलर का होता है और ये कैसा होता है, हरा होता है जब इसमें हाइड्रेट हो, पानी हो। इसी तरह से FeCl2 ferrous है, ये भी हरे रंग का होगा और ये कैसा होगा, FeCl3 का सॉल्यूशन कैसा, ये इसका सॉल्यूशन लगभग हरा रंग का होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, लाल होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको दोनों के बारे में पता चल गया, रंगीन है, कैसा बोला मैं, हरा होगा ग्रीन होगा, और ये कैसा होगा, लाल होगा रेड होगा। पर याद रखना जब वो जली विलयन में होगा तब होगा, या हाइड्रेट होगा यानी इसमें क्रिस्टल वाटर होगा तब होगा, लेकिन जब सूखा होता है ना तो कोई कलर नहीं होता, ये हमेशा याद रखेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अब लिखा गया है क्वेश्चन CuSO4 ड्राई, हाँ, तो उसमें आप सफेद लिखेंगे, नहीं तो फिर अपना एक दिमाग चलता है कि CuSO4 में कॉपर है, कॉपर Cu+2 है, यानी कि कोई ना कोई तो रंग होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आती हैं, लेकिन अगर प्रश्न आ गया Cu2SO4 का रंग बताइए, जबकि ये पानी में घुला हुआ है, तो ये पानी में घुला तो रंग होता है, दिमाग में आ जाता है, लेकिन यहां पर तो देखो ये क्या है, Cu है, Cu प्लस है, क्यूप्रस है, और क्यूप्रस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेयर अयुग्मित, सो इसका मतलब है कि रंगहीन रहेगा, चाहे पानी में घुला हो ना घुला हो, बस में आ गई पूरी बातें। तो रंग होना नहीं होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और उसके बाद फाइनली वो पानी में घुला है कि नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है फिर भी पानी में नहीं घुला हुआ है, या उसमें हाइड्रेट नहीं है यानी क्रिस्टल वाटर नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो रंगीन क्रिस्टल नहीं होगा, ठीक है। तो बातों को समझना है, ये हुआ इस चैप्टर का बहुत जरूरी चीज है। अब मैं इसके बाद बताने वाला हूं एक टॉपिक और लूंगा, वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास अभी लेंगे।